नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल लोड सेवा क्लासेस योगेश कुमार पर। आज हम आपके लिए टीजीटी होम साइंस के पेपर की आंसर की लेकर आए हैं, जो 7 अगस्त 2021 को सुबह की मीटिंग में हुआ था। सभी प्रश्नों को हमने बुक्स व कंपटीशन बुक से हल किया है। कुछ एक दो प्रश्न विवादित हैं, ये बाद में आपको पता चल जाएगा जब आयोग से आंसर की जारी होगी। यह आयोग पर निर्भर करता है कि आयोग किस विकल्प को सही माने। ज़्यादातर क्वेश्चनों को हमने बुक से हल किया है। यदि हमसे प्रश्नों को हल करने में कोई त्रुटि या भूल हो गई हो तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। फिर भी हमने पूरा ध्यान रखा है कि हमसे कोई गलती ना हो, परंतु फिर भी मानव से गलती हो जाती है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे आप अपनी आने वाली भर्ती की तैयारी फ्री में कर सके। आइए अब हम अपनी आंसर की शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, टर्सल प्रयास है। ए, झुकाओ बैठना। बी, उठना खींचना। सी, टांग पैर की गति। डी, रोकना। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, झुकाओ व बैठना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिर पर लंबी पट्टी बांधने के लिए पट्टों की आवश्यकता होती है। विकल्प ए एक पट्टी, विकल्प दो बी पट्टी, विकल्प सी तीन पट्टी, विकल्प डी चार पट्टी। इस क्वेश्चन का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, दो पट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीसीजी का टीका किस रोग से बचाव के लिए लगता है या बचाव करता है। ऑप्शन से चेचक, बी डिप्थीरिया, सी तपेदिक, डी टाइफाइड। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, तपेदिक अर्थात टीबी के लिए। नेक्स्ट, आंतों की भित्ति से उत्पन्न होने वाला हार्मोन को कहते हैं। ए इंसुलिन, बी ग्लूकोन, सी कोलिस्टोकाइनिन, डी सोमाटेस्टोटिन। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सोमा टोस्टेटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ढाका का मलमल का निर्माण होता है। ए सूती रेशों से, बी ऊनी रेशों से, सी कृत्रिम रेशों से, डी रेशमी रेशों से। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सूती रेशों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त एवं ऊतकों में कीटोन बॉडी जैकृतित होती है। ए हाइपोग्लाइसीमिया, बी हाइपरग्लाइसोसीमिया, डी डायबिटिक कोमा में, सी डी सीलिया रोग में। इस क्वेश्चन का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, डायबिटिक कोमा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलावट कहते हैं। ऑप्शन से बाहरी वस्तुओं को भोजन में मिलाने को, बी भोजन से मूल्यवान तत्वों को निकालने को, सी अधिक गुणवत्ता वाले पदार्थ के मूल्य पर कम गुणवत्ता का सामान बेचने को, डी उपरोक्त सभी। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उल्टा टांका को कहते हैं। ए पर्ल टांका, बी मिस टांका, सी टक टांका, डी जर्सी टांका। इस क्वेश्चन का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, पर्ल टांका। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रह व्यवस्था एक पारिवारिक विज्ञान है, सॉरी ग्रह व्यवस्था एक व्यवहारिक विज्ञान है, यह कथन है। ए ग्रास एवं कैंडल, बी कोटजिन, सी रजामल पी देवदास, डी इरीन ओपन हिम। इस क्वेश्चन का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कोटजिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शुद्ध तरल आहार नहीं है। ऑप्शन ए फलों का रस, ऑप्शन बी नींबू पानी, ऑप्शन सी दाल का पानी, ऑप्शन डी चाय। इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, फलों का रस, परंतु कुछ बुक में इसका ऑप्शन डी भी दे रखा है। अब ये कमेंट्स करके बताना कि आपका कौन सा विकल्प लगाया है आपने। तो वैसे इसका ए ऑप्शन सही होगा, फलों का रस। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कांथा कढ़ाई कहाँ से संबंधित है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी बंगाल, ऑप्शन डी गुजरात। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक का समाजीकरण कहाँ से प्रारंभ होता है? ऑप्शन ए सोशल मीडिया, ऑप्शन बी विद्यालय, ऑप्शन सी परिवार, ऑप्शन डी खेल का मैदान। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी से निम्न में से कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है? ए ओस्टोमलेशिया, बी ओस्टोपोरोसिस, सी कबूतर छाती रोग, डी अस्थि विकृति। इस क्वेश्चन का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ओस्टोपोरोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसार शिक्षा का प्रथम चरण है। ऑप्शन से ध्यान आकर्षण, बी संतुष्टि, सी रुचि, डी इच्छा। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ध्यान आकर्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिनिन तंतु के तने से प्राप्त होता है। ए जूट का पौधा, बी फ्लैक्स का पौधा, सी कपास का पौधा, डी हेम्प का पौधा। इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शंस बी सही हो जाएगा, फ्लैक्स का पौधा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न विषयों में कौन सा निंद्राकारी विषय है? ए अफीम, बी शराब, सी गांजा, डी भांग। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, शराब। वैसे इस क्वेश्चन में सभी ऑप्शंस कुल मिलाकर ठीक ही हैं। अफीम लेने से भी निंद्रा आती है, गांजा लेने से भी और भांग से भी, परंतु मोस्ट सुटेबल शराब लगता है। साथियों, आपने कौन सा विकल्प लगाया है इस क्वेश्चन का, कमेंट बॉक्स में जवाब देना। नेक्स्ट, हैजा किसके द्वारा फैलने वाला रोग है? ए वायु द्वारा, बी जल द्वारा, सी भोजन द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जल द्वारा। नेक्स्ट, दिए गए विकल्पों में से प्रसार शिक्षा की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? ए आकार एवं ग्राफ, बी प्रदर्शनी, सी चित्र एवं फोटोग्राफ, डी श्रव्य सामग्री। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रदर्शनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृद्धि के दौरान बच्चों को किस अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? ए लाइसिन, बी थ्रियोनाइन, सी हिस्टाटीन, डी वेलाइन। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, हिस्टाटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रूण की आंतरिक परत को कहते हैं? ए कोरियोन, बी नाभिरज्जु, सी गर्भनाल, डी एमनियोन। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, एमनियोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में शर्करा की सामान्य मात्रा होती है? ए 80 मिलीग्राम से 100 मिलीग्राम, बी 120 मिलीग्राम या 100 मिली रक्त, सी 80 से 120 मिलीग्राम, 1000 मिली रक्त, डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 80 से 120 मिलीग्राम या 100 मिली रक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर की रोगों से संघर्ष करने की शक्ति को कहते हैं? ए निसंक्रमण, बी रोग प्रतिरोधक क्षमता, सी उद्भवन अवधि, डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, रोग प्रतिरोधक अक्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइजीन शब्द हाइजिया से लिया गया है जिसका अर्थ होता है क्या? ए ग्रीक देवी का नाम, बी व्यक्ति का नाम, सी स्थान का नाम, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ग्रीक देवी का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाश्चीकरण किसके संरक्षण की विधि है? ए पनीर, बी पेय पदार्थ, सी सब्जी, डी दुग्ध। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, दुग्ध। नेक्स्ट, शिक्षित करके व्यक्ति की मनोवृत्ति या दृष्टिकोण एवं व्यवहार में परिवर्तन लाना का आधारभूत दर्शन है? ए शिक्षा, बी प्रसार शिक्षा, सी शिक्षण, डी अनौपचारिक शिक्षा। इस क्वेश्चन का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रसार शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्काउरिंग का प्रयोग होता है? ए ऊन में, बी रेशम में, सी रेयान में, डी नायलॉन में। इस क्वेश्चन का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ऊन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोषण आहार विज्ञान के जनक है? ए लावोइजर,
बी पेंटेकोफर, सी अर्थ वाटर, डी वोइड। इस क्वेश्चन का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, जैविक मूल्य का प्रयोग किसकी गुणवत्ता नापने के लिए होता है? ए कार्बोहाइड्रेट की, बी प्रोटीन की, सी वसा की, डी विटामिन की। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रोटीन की। नेक्स्ट, शिशु मृत्यु दर की गणना की जाती है? ऑप्शन से जन्म लेने वाली प्रति 100 शिशुओं के आधार पर, या जन्म लेने वाले प्रति 1000 शिशुओं के आधार पर, सी विभिन्न रोगों के संक्रमण के आधार पर, डी जन्म एवं मृत्यु संख्या के अंतर के आधार पर। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जन्म लेने वाले प्रति 1000 शिशुओं के आधार पर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक वैट रंजक है? ए हल्दी, बी नमक, सी कोलतार, डी इंडिगो। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, इंडिगो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण स्वास्थ्य योजना का शुभारंभ किस वर्ष किया गया था? ए 1970, बी 1980, सी 1977, डी 2000 में। इस क्वेश्चन का भी आप कमेंट बॉक्स में जवाब देना कि आपने कौन सा ऑप्शन लगा है। वैसे इसका 2000 ऑप्शन ठीक बैठता है, परंतु ये आप इसका जवाब देना। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ए 7 अप्रैल को, बी 7 जून को, सी 5 जून को, डी 9 दिसंबर को। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 7 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों में सन्निकट दूरस्थ विकास का क्रम है? ऑप्शन ए सिर से पैर की ओर, ऑप्शन बी सिर से हृदय की ओर, ऑप्शन सी केंद्र से परिधि की ओर, ऑप्शन डी छाती से पैर की ओर। इस क्वेश्चन का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, केंद्र से परिधि की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICMRNIN 2020 RDA सारणी के अनुसार सामान्य आधारीय चयापचय दर का संदर्भित महिला भारतीय महिला एवं पुरुष का वजन निश्चित हुआ है? ए 60 किलोग्राम पुरुष एवं 50 किलोग्राम महिला, 65 किलोग्राम पुरुष एवं 55 किलोग्राम महिला, सी 49 किलोग्राम पुरुष एवं 45 किलोग्राम महिला, डी 62 किलोग्राम पुरुष एवं 52 किलोग्राम महिला। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जठर रस में पाया जाने वाला एंजाइम है? ए एमाइलेज, बी पेप्सिन, सी लाइपेज, डी ट्रिप्सिन। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेपेटाइटिस यकृत शोथ किसके द्वारा फैलता है? ए विषाणु या वायरस, बी जीवाणु, सी फफूंद, डी शैवाल। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, विषाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूलने की अचेत प्रक्रिया ए प्रतिगमन, बी समाहीकरण, सी दमन, डी मानसिक कल्पना। इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन हो जाएगा, सी दमन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आयु में बालक पर्यटन एवं भूल द्वारा सीखता है? ऑप्शन से 0 से 2 वर्ष, बी 2 से 6 वर्ष, सी 6 से 9 वर्ष, डी 9 से 12 वर्ष। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विरासत में मिली हुई आय है? ए नियमित आय, बी अनियमित, सी प्रत्यक्ष आय, डी अप्रत्यक्ष आय। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, अप्रत्यक्ष आय। नेक्स्ट, यूनिसेफ की स्थापना कब हुई? ए 1945, बी 1940, सी 1947, डी 1948। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम गृह विज्ञान महाविद्यालय की स्थापना राज्य में हुई है? ए नई दिल्ली, बी उत्तर प्रदेश, सी पंजाब, डी चेन्नई। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापानी पुष्प सज्जा में 100 इंगित करता है? ए स्वर्ग, बी पृथ्वी, सी मनुष्य, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मनुष्य। वैसे कुछ पुस्तकों में या कुछ गाइडों में इसका आंसर स्वर्ग भी है। अब देखते हैं कि आयोग इन दोनों में से कौन सा सही मानता है। वैसे आप कमेंट बॉक्स में इसका भी जवाब देना। नेक्स्ट,
कार्य सरलीकरण की औपचारिक तकनीक है ए प्रोसेस चार्ट, बी साइक्लोग्राफ, सी ऑपरेशन चार्ट, डी पार्थवे चार्ट। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, साइक्लोग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृद्धि शरीर में किस प्रकार के परिवर्तन को दर्शाती है, ए गुणात्मक, बी मात्रात्मक, सी ए और बी दोनों सही, डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मात्रात्मक। नेक्स्ट, अप होलस्टरी का उपयोग किया जाता है, ए फर्श पर बिछाने के लिए, बी फर्नीचर को ढकने के लिए, सी पलंग पर बिछाने के लिए, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, फर्नीचर को ढकने के लिए। नेक्स्ट, अल्पना कहाँ से है, ऑप्शन से बंगाल, बी उत्तर प्रदेश, सी राजस्थान, डी बिहार। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिधानों में राफाल कलर प्राय किस आकार के गले में लगाए जाते हैं, ए आयताकार, बी वी आकार, सी यू आकार, डी गोलाकार। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, गोलाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल विकास के विभिन्न पहलू, ए शारीरिक विकास, बी गत्यात्मक विकास, डी सी भाषा विकास, डी उपरोक्त सभी। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जायगोट किसे कहते हैं, ए शुक्राणु, बी अंडाणु, सी नयाकोश, डी क्रोमोसोम। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है, ए 16%, बी 15%, सी 14%, डी 17%। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 16%। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेचक के विषाणु का क्या नाम है, ए एंटमीबा हिस्टोलिटिका, बी वेरिसेला जोस्टर वायरस, सी विबिरियो कोलरी, डी सलमोनेला टाइपी। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICMR NIN 2020 RDA सारणी के अनुसार प्रति 2000 किलो कैलोरी पर फाइबर की प्रतिदिन की मात्रा निश्चित की गई है, ए 30 ग्राम, बी 25 ग्राम, सी 35 ग्राम, डी 40 ग्राम। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 30 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसव में पहले नितंबन आना, इसके बाद टांगे और बाद में अंत में सिर आना और यह स्थिति है, ऑप्शन से डी जन्म, बी उपकरण जन्म, सी प्राकृतिक जन्म, डी सहज जन्म। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंबे रेशे को कहा जाता है, ए स्टेपल, बी स्पर्न यान, सी फिलामेंट, डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, फिलामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिवारिक साधन के प्रकार हैं, ए मानवीय एवं अमानवीय, बी परंपरागत व गैर परंपरागत, सी लोचमय व अलोचमय, डी पूर्ण एवं अपूर्ण। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, मानवीय एवं अमानवीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनिवार्य बचत का उदाहरण, ए सामान्य भविष्य निधि, बी बैंक जमा, सी LIC, डी जन भविष्य निधि। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, जन भविष्य निधि यानी PPF। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन पकाने की खदकना सिमरिंग विधि में तापमान कितना होना चाहिए, कितना होता है, ए 82 डिग्री से 99 डिग्री, बी 72 डिग्री से 95 डिग्री सेल्सियस, सी 65 से 75 डिग्री और डी 80 से 85 डिग्री सेल्सियस। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शंस ए सही हो जाएगा, 82 से 99 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की धुरी किसे कहा जाता है, ए प्रसार प्रबंधक को, बी प्रसार कार्यकर्ता को, सी ग्रामीण नेता को, डी प्रसार विशेषज्ञ को। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रसार कार्यकर्ता को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन कार्य करता है, ए निरोग व्यक्ति के लिए, बी समुदाय, सी माता और शिशुओं के लिए, डी उपरोक्त सभी के लिए। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, माता और शिशुओं के लिए। नेक्स्ट, बाल विवाह निरोधक अधिनियम किस सन में लागू हुआ था, ऑप्शन है 1929,
बी 1955, सी 1976, डी 2006। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चम्मच की आकृति के नाखून जैसे लक्षण वाली बीमारी को क्या कहते हैं? ए क्वाश्वर रोग, बी रक्तलापता, सी मारस्मस, डी उपयुक्त सभी। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, रक्तलापता या एनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसार शिक्षण एक विधि है। ऑप्शन से अव्यवहारिक शिक्षण, बी सामूहिक शिक्षण, सी व्यवहारिक शिक्षण, डी जन शिक्षण। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, व्यवहारिक शिक्षण। नेक्स्ट, पर्यावरण में उपस्थित आवश्यक तत्वों का संतुलन कहलाता है क्या? ए प्रदूषण, बी रासायनिक प्रदूषण, सी सांस्कृतिक प्रदूषण, डी भौतिक प्रदूषण। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रदूषण। नेक्स्ट, प्रसार शिक्षा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सन 1873 में डोट में किया गया। ए हार्वर्ड विश्वविद्यालय, बी टेक्सास विश्वविद्यालय, सी कैम्ब्रिज, डी ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम चार सप्ताह में होने वाला शिशु मृत्यु का कारण है? ए श्वास विरोध, बी जन्मजात असमानताएं, सी संक्रमण, डी उपयुक्त सभी। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकिल एवं डार्सी के अनुसार मानवीय संसाधन है? ए समय शक्ति साधन, बी कुशलताएं ज्ञान शक्ति, सी शक्ति समय सामुदायिक सुविधाएं, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कुशलताएं ज्ञान शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी टेक्सटाइल सामग्री की सबसे छोटी इकाई होती है क्या? ए वस्त्र, बी रेशा, सी तंतु, डी अणु। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, तंतु। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में घुलित सल्फर डाइऑक्साइड किस पर अधिक असर डालती है? ए पौधों पर, बी मानवों पर, सी भौतिक साधनों पर, डी उपयुक्त सभी पर। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी पर। जब फ्लोट वार्प यार्न से बनता है तो कहलाता है? ए साटिन बुनाई, बी साटिन बुनाई, सी रीव बुनाई, डी ए और बी दोनों। इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन हो जाएगा, ए साटिन बुनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, डी डब्ल्यू सी आर ए का क्रियान्वयन करती है? ऑप्शन से केंद्र सरकार, बी राज्य सरकार, सी जिला परिषद, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, केंद्र सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, झाड़ू लगाना किस प्रकार का कार्य है? ए हल्का कार्य, बी सामान्य कार्य, सी कठिन कार्य, डी ए और सी दोनों। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कठिन कार्य। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन भी कुछ सही बता रहे हैं, सामान्य कार्य हैं। तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख कर बताना कि आपने कौन सा विकल्प चुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उज्ज्वल स्कीम की शुरुआत हुई है? ए 4 दिसंबर 2007, बी 4 दिसंबर 2005, सी 12 दिसंबर 2008, डी 12 दिसंबर 2006। इस क्वेश्चन का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, संचार के किस माध्यम में तस्वीर प्रत्यक्ष रूप से सामने दिखाई जाती है? ए फ्लैक्स कार्ड, बी फिल्म स्ट्रीम, सी टेलीविज़न, डी सांपट। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, फ्लैश कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीयक रंग क्या है? ए प्राथमिक रंगों के मिश्रण से बनाए गए रंग, बी लाल एवं पीले पीले के मिश्रण से बना रंग, सी नीला काला सफ़ेद के मिश्रण से बने रंग, डी उपयुक्त सभी। इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन हो जाएगा, बी लाल पीले रंगों के मिश्रण से बना रंग। नेक्स्ट, मलमल कपड़े के एक टुकड़े के धागों की संख्या यदि 64x60 है तो क्या कहलाएगी? ए खराब संतुलन, बी अच्छा संतुलन, सी कमज़ोर संतुलन, डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अच्छा संतुलन। नेक्स्ट, थकान की स्थिति में कोशिकाओं में से कौन सा अम्ल एकत्रित हो जाता है? ए लैक्टिक अम्ल, बी मैलिक अम्ल, सी एटीसी अम्ल, एसिटिक अम्ल, डी इनमें से
कोई नहीं, इस क्वेश्चन का बी और ए ऑप्शन सही हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल। नेक्स्ट, समुदाय विकास योजना का आरंभ किया गया, ऑप्शन से 9 मई 1958, बी 8 जून 1971, सी 2 अक्टूबर 1952, डी 15 जनवरी 1960। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 2 अक्टूबर 1952। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी विश्लेषण किस अध्ययन विधि के अंतर्गत आता है? ए चरित्र लेखन विधि, बी अनौपचारिक तथा नियंत्रण निरीक्षण विधि, सी आत्मचरित्र लेखन, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, स्वास्थ्य सेवाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए गांव में नियुक्त किए गए जाते हैं? ए हेल्थ गाइड, बी स्वास्थ्य कार्यकर्ता, सी चिकित्सक, डी उपरोक्त सभी। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, स्वास्थ्य कार्यकर्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्री प्रजनन अंगों में नहीं आता? ए वास डिफरेंस, बी डिम्बग्रंथिया, सी गर्भाशय, डी फैलोपियन ट्यूब। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, समय मापक इकाई TMU एक सेकंड का दो टोट भाग होती है, ऑप्शन से 0036, ऑप्शन बी 0036, ऑप्शन सी 0006, ऑप्शन डी 0036। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 0036। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा मापने के अंतर्राष्ट्रीय इकाई है? ए जूल, बी किलो कैलोरी, सी किलो जूल, डी कैलोरी। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवर्तन के वर्ग का विचार सर्वप्रथम दिया गया? ए मुंडेल द्वारा, बी गिलबर्ट द्वारा, सी मल्टीमैन द्वारा, डी निकिल एवं डार्सी द्वारा। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, मुंडेल द्वारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विनियोग नहीं है? ए जीवन बीमा, बी अल्पकालीन विनियोग, सी बटवा, डी दीर्घकालीन विनियोग। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बटवा। नेक्स्ट, शेयरिंग किस रेशे को प्राप्त करने में एक चरण है? ए कपास, बी ऊन, सी जूट, डी लिनन। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ऊन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान समय में स्वास्थ्य विज्ञान किस नाम से प्रख्यात है? ए हाइजीन, बी स्वास्थ्य एवं जनन स्वास्थ्य, सी प्रिवेंटिव मेडिसिन एवं पब्लिक हेल्थ, डी प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोवैज्ञानिक जिसने संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया वह है? ऑप्शन से जीन पियाजे, बी सिगमंड फ्रायड, सी इरिक्सन, डी पैवलाव। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, जीन पियाजे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करता है? ए अनुवांशिकता, बी ज्ञानेंद्रिया, सी मस्तिष्क विकार, डी उपरोक्त सभी। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भकालीन अवस्था होती है? ए गर्भधारण से 2 सप्ताह, बी गर्भधारण से जन्म तक, सी गर्भधारण से 8 सप्ताह तक, डी जन्म से 14 सप्ताह तक। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, गर्भधारण से जन्म तक। नेक्स्ट, सुंदरता किस प्रकार का मूल्य है? ए साधन मूल्य, बी आंतरिक मूल्य, सी ए तथा बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, आंतरिक। नेक्स्ट, बहुउद्देश्य भोज्य पदार्थ किसने विकसित किया? ए NIN निन हैदराबाद, बी CFRTR आई मैसूर, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, CFRTR आई मैसूर। नेक्स्ट, प्रसार कार्यकर्ता का कार्य क्षेत्र होता है? ए असीमित, बी बहुआयामी, सी निर्धारित, डी द्विआयामी। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बहुआयामी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम अस्थायी दांत होते हैं, ए दाढ़े, बी कैनाइन, सी केंद्रीय कृंतक, डी अग्रचर्मवक्. इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण स्वच्छता का नाम बदल कर रखा गया है, ए मानसिक स्वास्थ्य, बी पर्यावरण स्वास्थ्य, सी सकारात्मक पर्यावरण, डी शुद्ध पर्यावरण. इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, पर्यावरण स्वास्थ्य. नेक्स्ट, मैंड्रेन एक प्रकार का है, ऑप्शन से कॉलर, बी आस्तीन, सी कप, डी योग. इस क्वेश्चन का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, कॉलर. नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट के लिए उपभोग का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, ए एडम स्मिथ, बी डॉक्टर एंजल, सी एम मार्शल, डी ग्रास एवं कैंडल. इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा को मापने की विधि को कहते हैं, ए फोटोमेट्री, बी ज्यामितीय, सी तापमान, डी कैलोरी मेट्री. इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, कैलोरी मेट्री. नेक्स्ट क्वेश्चन, मर्साइजिंग परिसज्जा में कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है, ए अमोनिया, बी बोरिक अम्ल, सी कास्टिक सोडा, डी इनमें से कोई नहीं. इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कास्टिक सोडा. नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई, ए 1940, बी 1945, सी 1942, डी 1954. इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1945. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ग्राम वसा के दहन से ऊर्जा प्राप्त होती है, ए 6 किलो कैलोरी, बी 7 किलो कैलोरी, सी 8 किलो कैलोरी, डी 9 किलो कैलोरी. इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसार शिक्षा का उद्देश्य है, ए दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, बी ज्ञान में परिवर्तन लाना, सी कार्य दक्षता में परिवर्तन लाना, डी उपयुक्त सभी. इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी. नेक्स्ट क्वेश्चन, शारदा एक्ट संबंधित है, ए विधवा विवाह, बी सती प्रथा, सी बाल विवाह, डी उपयुक्त सभी. इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बाल विवाह. नेक्स्ट क्वेश्चन, संतुलन तालिका किस अवस्था में बनाई जाती है, ए साल के अंत में, बी साल के शुरुआत में, सी साल के मध्य में, डी ए और बी दोनों. इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारणतः किस वसा को हानिकारक कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, ए एलडीएल, बी बीएलडीएल, सी एचडीएल, डी क्लाइकाइलोमाइक्रोन. इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, वीएलडीएल. नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन चक्र की किस अवस्था में साधनों की मांग बढ़ जाती है, ए प्रारंभिक अवस्था, बी विस्तार अवस्था, सी संकुचित अवस्था, डी सेवानिवृत्त अवस्था. इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, कैम्फनर आहार का प्रयोग होता है, ए अल्सर में, बी मधुमेह में, सी उच्च रक्तचाप में, डी टाइफाइड में. इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, उच्च रक्तचाप. नेक्स्ट क्वेश्चन, धागे का वजन प्रति इकाई लंबाई अथवा लंबाई प्रति इकाई वजन दर्शाता है, ए धागे की संख्या, बी धागे की मजबूती, सी धागे की ऐंठन, डी धागे की समरूपता. इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, धागे की संख्या. नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण महिलाओं में साक्षरता की दर में वृद्धि हेतु कौन सी योजना है, ए कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना, बी मातृ सुरक्षा योजना, सी राजीव गांधी किशोरी योजना, डी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना. इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना. नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखित एवं छपी सामग्री किस प्रकार का साधन है, ए श्रव्य साधन, बी दृश्य साधन, सी दृश्य श्रव्य साधन, डी इनमें से कोई नहीं. इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, दृश्य साधन. नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्बेस्टॉस है, ए प्राकृतिक रेशा, बी मानवकृत रेशा, सी प्राकृतिक खनिज रेशा, डी मानवकृत खनिज रेशा. इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा. नेक्स्ट, संश्लिष्ट रंजक की खोज की थी,
ए विलियम हेनरी परकिन, बी मोरे, सी जे टी डिक्सन, डी जॉर्ज ओल्डमर्स। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, राजमा में उपस्थित ऑक्जलेट एवं फाइटेट किसकी उपलब्धता को अवरोधित करता है? ए कार्बोहाइड्रेट, बी लोह तत्व एवं कैल्शियम, सी लोह तत्व, डी कैल्शियम। इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, लोह तत्व एवं कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन डॉट डॉट में कृषि प्रसार को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा मान्यता प्राप्त हुई? ऑप्शन से 1920, ऑप्शन बी 1914, ऑप्शन सी 1900, ऑप्शन डी 1950। साथियों, इस क्वेश्चन का आप कमेंट्स बॉक्स में जवाब लिखना कि आपने क्या लगाया। नेक्स्ट, डिब्बा बंद जैम या जैली पर चिन्ह लगा रहता है? ए एग मार्क, बी आई एस आई, सी एफ पी ओ, डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, एफ पी ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों का विकास निम्न का परिणाम है? ए सिर्फ सीखने का, बी सिर्फ परिपक्वता का, सी सिर्फ व्यक्तिगत विभिन्नताओं का, डी सीखना और परिपक्वता का। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, डॉट डॉट बच्चे के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और नैतिक गुणों को विकसित करता है? ऑप्शन से खेल, बी खाना, सी चिल्लाना, डी अनुपूरक। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन्म से 30 मिनट तक की अवस्था कहलाती है? ए शैशवावस्था, बी नियोनेट अवस्था, सी फोर्टुनेट अवस्था, डी प्रसवकाल। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रसार शिक्षा समुदाय विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति का साधन है, यह कथन किसका है? ऑप्शन से ए रेड्डी, बी रामाबाई, सी कृष्णाचारी, डी होरेन भाई। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य विश्राम एवं शयन के बीच उपयुक्त अनुपात क्या है? ए 8:7:4, बी 6:5:5, सी 8:8:8, डी 5:6:6। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 8:8:8। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत संपर्क, पारस्परिक सद्भावना एवं मैत्री बढ़ाने के दृष्टिकोण से कौन सी विधि अत्यंत लाभकारी है? ए कार्यालय में भेंट, बी फार्म व घर में भेंट, सी विधि एवं परिणाम प्रदर्शन, डी समूह चर्चा का आयोजन। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, फार्म व घर पर भेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेबल लिनन में कौन सी बुनाई होती है? ए प्लेन बुनाई, बी रिप बुनाई, सी ट्विल बुनाई, डी बास्केट बुनाई। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोनली ऊन को कहते हैं? ए मोरिनो ऊन, बी पैसम ऊन, सी सहातसून, डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, मैरिनो ऊन। नेक्स्ट, गेहूं का चोकर उसकी किस स्तर में होता है? ए एपिडिमिस, बी इंडोस्पर्म, सी एम्ब्रियो, डी पेरिकार्ड। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, पेरिकार्ड। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रसार शिक्षण का चरण नहीं है? ए ध्यानकर्षण, बी अभिरुचि, सी ध्यान विकर्षण, डी संतुष्टि। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ध्यान विकर्षण। लास्ट क्वेश्चन, ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया में होता है? ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन, बी ग्लाइकोजन का विघटन, सी ग्लूकोज का पाइरूविक अम्ल में परिवर्तन, डी अमीनो अम्ल तथा वसा का निर्माण। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ग्लाइकोजन का पाइरूविक अम्ल, ग्लूकोज का पाइरूविक अम्ल में परिवर्तन। ओके साथियों, हम आशा करते हैं कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब व बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे।
मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारती।